आगरा में भी झगड़ा हो गया भाई, आगरा में भी झगड़ा हो गया। ये देखो ये चाचा को मैंने कॉल कर लिया, चाचा थोड़ी सी गंती बदतमीजी घूम लिया भाई। हमने ताजमहल देख ली इसकी खूबसूरती और करीब आके और पास है कि हमने ताजमहल देख। मैं देखे जा रहा हूँ जब से तुमको, तुम उल्टे पुलटे हो गए हो, मेरी गलती कर लो। मजा आ गया भाई, इसका एक्सेंट चेंज, जैसे मैंने हिंदी बोला वैसे इसका एक्सेंट चेंज हो गया भाई यहाँ से। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आगरा की सरजमीन पे भाई, आगरा पहुंच चुके। अगर रात में हमने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में बैठ के हम लोग आ गए आगरा, और यहाँ पे उतरते ही भाई ऐसा फॉग था, ऐसी ठंडी थी, क्या ही बताया, यहाँ पे मज़ा आ गया। तो हमने वो रात में होटल कर लिया और होटल में चेकिंग की, और अभी मैं हूँ होकर के टेरिस में। यहाँ से ये पूरा आगरा देख रहा हूँ भाई, मतलब पूरा आगरा यहाँ से नहीं दिख रहा है भाई, गाँव है ये, पता नहीं क्या है भाई, अच्छा है लेकिन बहुत सही है। मेरे गाँव की याद आ गई मुझे, ऐसे घर होते हैं ना, ऐसी सारी टेरिस जो है साथ साथ में रहती है भाई, देख के मजा आ जाता है। तो अभी सुबह के बज रहे 9, अरे बाप रे, ये देखो बड़ा डेंजर डॉग है यार, सुन लिया इसने, सुन लिया भाई, सुन लिया इसने, बड़ा डेंजर है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाय बोल दो ब्लॉग में, इतना बुरा हाय बोल रहा है भाई, ये बहुत ज्यादा हाय बोल रहा है, तो छोड़ो। तो अभी ऐसा है कि भाई ये कौन आ रहा है, कोई भी होगा वो। तो भाई अभी ऐसा है कि आज का प्लान ये है कि आगरा आ चुके, अभी जाके हम लोग घूमेंगे, ताजमहल देखेंगे भाई, और उसके बाद कोई फोर्ट वोट है वहाँ पर भी जाएंगे, वो भी घूमेंगे। पर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी यहाँ से निकल के आज के आज ही हमको कहीं और भी जाना है, तीसरी लोकेशन पे। तीसरा डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा वो बाद में देखना। तो यस, अभी जाके रेडी शेडी होते, तैयार शेयर होते, फिर उसके बाद हम लोग जाके आगरा घूमते हैं। तो चलो चलते इसके साथ साथ हमारे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आ जाओ भाई, हो गया हमारा होटल से चेकआउट, मस्त तैयार शैयार हो चुके हैं हमने। आज हम जैकेट कैरी कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ आगरा में ना शाम शाम में बहुत ज़्यादा ही ठंडी हो जाती है, और ये हमने कर देखा रात में, मतलब भाई क्या फॉग हो गया था, मज़ा आ गया था यार, कोई ठंडी अच्छी खासी है, तो इस वजह से हम लोग जैकेट कैरी करके घूमेंगे भाई। तो अभी हम लोग जाना है कहाँ पे पता है, ताजमहल। तो हमारे जो ऑटो वाले भाई साहब है आकाश भाई, आकाश आ रहे हैं, वो हमको पिकअप करेंगे और वो हमें पूरा घुमाएंगे फिराएंगे, पर वेट करा रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा। हम लोग कब से तैयार शैयार होके बैठे हैं, पर ये भाई अभी तक आए नहीं है। तो जैसे ये आते हैं वैसे हम लोग निकल के जाते हैं कहाँ, ताजमहल। आकाश भाई नहीं आ रहे भाई, आकाश भाई कहीं बिजी है, तो यहाँ पे हम लोग बुक कर रहे हैं भाई लोग को, तो इनके साथ जाएंगे इनकी ऑटो में, पर थोड़ा सा भी डिस्कस कर रहे क्या है भाई। आगरा में भी झगड़ा हो गया भाई, आगरा में भी झगड़ा हो गया, ये देखो यहाँ पे भी डन। भाई हमारे आकाश भाई ने हमको मना क्या किया, यहाँ रिक्शे वाले की लाइन लगी और झगड़ा कर रहे हैं आपस में कि बोले मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, मतलब पूरे आगरा में टूरिस्ट खाली लगता हम लोग ही है और कोई नहीं है। वो देखो वहाँ बताओगे कहाँ कहाँ लेके चलोगे, आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट दो बार, आगरा फोर्ट, ताजमहल, मीना बाजार, साझा गार्डन, बालाजी मंदिर, पेटा वगैरह खाना वगैरह, चलो बट चलो चलो भाई। चाचू के साथ बात हो गई है डन, चाचू के साथ हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी करने के लिए, है ना चाचू? उन लोगों के साथ मजा नहीं आ रहा यार, वाइब नहीं आ रही है। अरे वाह, चलो फिर सही है। बाकी भाई भाई के साथ बात हो गई है, रईस भाई के साथ घूमी घूमी करने जा रहे हैं हम लोग, पूरा आगरा घूमेंगे, ताजमहल जाएंगे। भाई देखो ऐसा है कि ताजमहल के पास हम पहुंच चुके हैं, पर ना ऑनलाइन टिकट निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि भाई साहब बोल रहे हैं कि यार ताजमहल के वहाँ पे ना बहुत क्राउड रहता है, बहुत भीड़ रहता है, तो लाइन लगानी पड़ेगी, उसमें आधे से एक घंटा आपका वेस्ट हो सकता है, तो इससे बेटर है कि यहाँ ऑनलाइन टिकट मिलती है। तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं ऑनलाइन टिकट निकालने के लिए, वो निकाल के लेके जाएंगे, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, वहाँ 50 रुपीज़ की टिकट है, यहाँ 60 रुपीज़ की मिल जाती है, पर टाइम बच जाता है, तो टिकट ले लेते हैं हम लोग ऑनलाइन यहाँ पर। चार टिकट दे दो भाई, भाई ये आ गई हमारी टिकट, इसको हार्ड कॉपी करके दे दिया भाई साहब ने, पर चलो अच्छा है, अभी हमारा टाइम बच गया, वहाँ लाइन लगानी नहीं पड़ेगी, यही दिखा कि हम लोग एंट्री कर लेंगे। भाई हमारे ऑटो वाले भाई साहब ने हमको ना वहीं पे ड्रॉप कर दिया, ऑटो हमारी वहीं पा गई, क्योंकि ये लेन में ना भाई ऑटो जा नहीं सकती, क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो जाता है, बहुत रश हो जाता है, जैसे कि हाँ सही बात है यार, यहाँ पे आगे बहुत भीड़ हो चुकी है, तो ऑटो हमारी वहीं पीछे है, तो ये लेन है जाने की ताजमहल पे, तो यहाँ से हम लोग जाते हैं। और ये क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, शायद इसके अंदर हो ताजमहल, पता नहीं कहाँ होगा, आगे देखते हैं भाई कहाँ है। ओए होए आ गया भाई ताजमहल, ये देखो बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह भाई, मजाक कर रहा हूँ यार, ये ताजमहल ही है भाई, ये ताजमहल का ना टीजर है, असली ताजमहल सामने आप वहाँ दिखाते हैं। एंट्रेंस है भाई ताजमहल का, यहाँ से अंदर जाते हैं, काफी खूबसूरत, ये तो पूरा रेड रेड है ताजमहल, तो अंदर से दिखेंगे ना भाई, ये रेड ये कोट है क्या, ये कोट है ये भाई क्या है, पर जो भी है बहुत खूबसूरत है, वाह।
भाई ये कौन सी जगह है मेरे को नहीं पता, पर है बड़ी खूबसूरत, अच्छी खासी खूबसूरत है भाई। वाह 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 वाह, मतलब एंट्रेंस इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, तो अंदर ताजमहल की क्या ही बात होगी भाई, वो देखते हैं हम लोग वो कितना खूबसूरत होगा। ओए 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 भाई सही कहा था यार, यहाँ मतलब है इतने लोग नहीं है पर ठीक है, लाइन लगी हुई है अच्छी खासी, इतनी लाइन तो बनती है भाई, इतनी लाइन तो है ही टिकट्स की। तो यहाँ पे चलेगा ऑनलाइन का सेक्शन मेरे ख्याल से यहाँ से है, तो जो हमारे पास ऑनलाइन पासेस है वो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। उतना क्राउड नहीं है यार, अच्छी बात है भाई, क्राउड नहीं होगा कोई मजा है, वरना मैंने जब जब जो जो कोई भी ताजमहल गया है ना, मैंने पूछा भाई कैसा था, बोले बहुत क्राउड रहता, बहुत भीड़ रहती है मॉर्निंग में जाना, पर मॉर्निंग में कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, नहीं हो पाया। मेरा प्लान था हालांकि सुबह 6-7 बजे आऊंगा, पर नहीं हुआ भाई, अभी हम लोग जाते हैं, अभी देखते हैं, क्राउड नहीं होना चाहिए अंदर। क्या ही टाइट सिक्योरिटी चेकिंग थी यार, बहुत टाइट सिक्योरिटी चेकिंग, एक एक जैकेट वैकेट सारी चीज़ें भाई निकाल के चेक करवाया उन्होंने, अच्छा था यार, पर ऐसे ही होना चाहिए भाई। सातवां अजूबा है भाई, ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ से जैसे ही सामने आओ ये नज़र आता है, बहुत खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत यार, इस साइड भी चेक कर लो भाई, ओए होए होए होए, मतलब है भाई ये चीज़ें है बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, टू गुड है भाई। अभी हम लोग अंदर जाए ताजमहल, ताजमहल दिख तो रहा है वहाँ से हमको, एक सेकंड भाई, वो देखो थोड़ा ऐसे नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इसके पीछे है भाई ताजमहल, छुपा हुआ है वो पर्दे में, तो वो दिखा दे अभी आप लोग को, एक मिनट दिख रहा है भाई, गुम्बद दिख रही है, ताजमहल पूरा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से, अंदर जाके पूरा के पूरा ताजमहल नज़र आएगा। बाकी यहाँ से चेक करो, आए हाय हाय हाय, अभी मत देखो, अभी मत देखो, अंदर जाके अच्छे से दिखाता हूँ मैं, मेरे को तो दिख गया है यार, अभी अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ये चाचा को मैंने कॉट कर लिया, चाचा थोड़ी सी गंती बदतमीजी है ना, चाचू को मैंने कॉट कर लिया, चाचू ने बहुत ही बुरी चीज करे थे, बहुत ही ज्यादा गंदी, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, पर चाचू को मैंने कॉल किया, चाचू को मैंने बोला चाचू क्या है ये बदतमीजी है, गंदी हरकत नहीं करते ऐसे गंदे बच्चे हो आप, तो ना ना गंदी हरकत ना है। मैं बता नहीं सकता सॉरी, पर मैं वो सोच के खुद ही खुश हो रहा हूँ, तो तुम लोग भी सोच लो क्या कर सकते है। नॉडी अंकल से नॉडी, चलो अभी ताजमहल देखते है भाई हम लोग। सच में यार है खूबसूरत है, मैं तो अभी थोड़े दूर से देख रहा हूँ, मतलब वहाँ पे सामने में ताजमहल है वो बड़ा सही है यार, ये देखो हाय हाय हाय, खूबसूरत खूबसूरत काफी खूबसूरत, टू गुड। अभी हम लोग जाते हैं भाई यहाँ से उतर के नीचे, पीछे भी वहाँ से देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, वहाँ जाते हैं पीछे जाते हैं, मेरे साथी कहाँ चले गए, सारे 5 मिनट गायब, मेरे ताजमहल की खूबसूरती देख के सारे गायब। यहाँ से चलते हुए जाते हैं भाई ऐसे इस तरफ से, यहाँ से यहाँ खड़े होंगे, यहाँ पे जाके फोटोज वोटोज लेंगे, यहाँ से ताजमहल देखेंगे, मस्त है भाई। पर लेकिन यार क्राउड बहुत है, पब्लिक बहुत है यहाँ पे, बहुत लोग है भाई, इन सबको बाहर कर देते हैं क्या, सबको बाहर भेज देते हैं भाई, फिर देते फोटोज वोटोज हम लोग। अच्छा भाई एक ढंग की फोटो हो नहीं पा रही हमारे ताजमहल के साथ, मतलब यार कुछ भी कोई ना कोई आ जा रहा है, इतना क्राउड इतना क्राउड है, ये देखो ये देखो ये देखो भाई, एक फोटो नहीं आ पा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसी फोटो ले लूँ, वो लेते थे ना ऐसे पकड़ के, कैसे पकड़ के यार, ऐसे ऐसे, ओए ओए वाओ ब्यूटीफुल, ऐसे वाली फोटो ले लेता हूँ मैं, सही रहेगा वो यार, बाकी अच्छी पिक्चर्स तो आ ही नहीं रही है, पर देखने में तो यार मजा आ जा रहा है, बस ऐसा लग रहा है खूबसूरती, देखे जाओ ताजमहल को, और कुछ नहीं भाई। या भाई हमने ताजमहल देख ली, इसकी खूबसूरती और करीब आके और पास है कि हमने ताजमहल देख लिया, और इसके सामने भाई ये भी एक जगह है, ये भी काफी खूबसूरत है, इसकी बात अलग है, ताजमहल की बात भाई अलग है। ताजमहल की स्टोरी अगर नहीं पता है तो बच्चे बच्चे को पता, मेरा काम है भाई बताना। तो देखो ऐसा है कि मुमताज के लिए बनाया था ताजमहल शाहजहां ने उनकी मोहब्बत में भाई, तो हम भी यार एक मुमताज डिजर्व करते हैं, और हमारे मुमताज भी ना एक ताजमहल डिजर्व करती है, तो हम भी बनवा देंगे यार, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, बस सब्सक्राइब कर दो अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग भी एक अपना ताजमहल बना देंगे हमारी मुमताज के लिए। चुप कर बे कुत्ते।
पर भाई देखो अभी मैं यहाँ से निकलूँ कि मैं यहाँ अकेले घूम रहा हूँ, हमारे दोस्त जो है बाहर वेट कर रहे हैं हमारा, क्योंकि हमने अभी जाना है, कहाँ जाना है, फोर्ट जाना है, फोर्ट देखना है, उधर क्या होगा हमें नहीं पता, पर ताजमहल देख के भाई मजा आ गया यार, सही है बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से निकल के हम जाते हैं फोर्ट। मैंने जैकेट उल्टी पहन ली, सबसे पहली बात तो मैंने जैकेट कैरी पता नहीं क्यों कर लिया भाई, क्योंकि ठंडी वंडी है नहीं कुछ नहीं, बस जैकेट मैंने कैरी कर लिया। अब मेरे को पकड़े पकड़े बोर हो रहा था तो मैंने ना उल्टी पहन लिया, तो वहाँ वो लड़के लोग देख रहे बोले रे भाई ये क्या है, मैंने उल्टी पुल्टी हो गई मेरी गर्दन वर्दन, वो लोग हंसने लग गए भाई। ट्रांसपेरेंट गॉगल लगा लिए हम लोग, गॉगल ले लिए भाई, मजेदार अच्छा लग रहा है। अभी उल्टी जैकेट हम लोग उल्टी पहने ना भाई, बोले तुम उल्टी पहने हो यार, मैं देखे जा रहा हूँ जब से तुमको, तुम उल्टे पुल्टे हो गए हो, मेरी गर्दन सीधी कर दो, इसको सीधा करो पहले, जैकेट सीधी कर दू, अच्छा जैकेट सीधी करूँ, तुम समझदार हो, बाकी लोग बोल रहे तुम्हारी गर्दन उल्टी हो गई है क्या। चलो भाई अभी फोर्ट जाते हैं हम लोग, मेरा फोन समझ के आए थे, इसका एक्सेंट बदल गया था, यहाँ के मेरे को मार पर देख रहे ओनली 25 घंटे वापस बोलो इसे बाहर निकले हैं लेना हो तो देख लीजिए भाई। देखो मैं वहाँ खड़ा था, मेरे को पता नहीं क्या समझा वो फॉरनर ऑर्डर यहाँ वहाँ का, और उसका एक्सेंट चेंज हो गया, बोलता है मेरा दोस्त सर दिस इज 25 घंटे फॉर मार पर से फॉर यू सर, इधर अब तुमको हाय बोलना पड़ेगा वीडियो अच्छे से, हाय भाई, हाँ हाय भाई, देखा साइड में ऐसे प्यार से बोलो, यस क्या बोल रहे हो, यूट्यूब पे नहीं डालू चलो भाई ठीक है यार, मजा आ गया भाई, इसका एक्सेंट चेंज जैसे मैंने हिंदी बोला वैसे इसका एक्सेंट चेंज हो गया भाई यहाँ पे।